सूरज की किरने धरती पर सूरज की किरने रखे नींव उजाले की विद्या के प्रकाश से रोशन नींव रहे विद्यालय की नींव अगर मजबूत हो मानव धरती पर आकाश बने लगराज कैसा सुना सुना लगता है इन छुट्टियों में लगता है जैसे भूतों का डेरा हो यहाँ अरे छुट्टियां खत्म हो जाए तो भूतों का डेरा होता है यहाँ कैसी बात कर रहा है बच्चों में भगवान बसते हैं अब देख कल छुट्टियां खत्म हो जाएंगी मंदिर बन जाएगा ये मंदिर अरे दिन भर चिक चिक लगी रहती है काम ससुरा खत्म होते नहीं होता अब तुझसे कौन बहस करे तू तो जब भी करेगा ना बस उल्टी बात करेगा अरे भाई बख्शी जी आइए खान साहब कल आए श्रीनगर से बस पंडित जी कल ही चला रहा हूँ बादया साहब भैया साहब कैसी रही वेकेशंस भाई साहब खूबसूरत शहर वहाँ के खूबसूरत लोग तो छुट्टियाँ तो खूबसूरत बीती ही होंगी ये तो अपने अपने देखने का अंदाज है खान साहब वरना कश्मीर तो हम भी गए हैं कोई खास बात तो नहीं सुना है कोई नए टीचर आ रहे हैं आज टीचर क्या फुटबॉल कोच है स्कूल में हो ना हो क्या फर्क पड़ता है भाई उपाध्याय साहब मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ क्या आप ये नहीं चाहते कि स्कूल के बच्चे अच्छी फुटबॉल खेलना सीखे स्कूल का नाम रोशन करें माफ कीजिए खान साहब सिर्फ खेलने से स्कूल का नाम ऊंचा नहीं होता स्कूल का नाम ऊंचा होता है पढ़ाई से अच्छे रिजल्ट से मिस्टर उपाध्याय आपने शायद इस साल का रिजल्ट नहीं देखा 12वीं क्लास के 70 लड़कों में से 68 लड़कों की फर्स्ट डिवीजन आई है क्या ये रिजल्ट अच्छा नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट है इस साल और इस रिजल्ट में उपाध्याय जी का भी तो हाथ है भाई पंडित जी इस बात से किसे इंकार है एक्सक्यूज मी प्रिंसिपल साहब ऑफिस से निकल रहे हैं एक्सक्यूज मी जेंटलमैन मैं चाहता हूं आप सबका परिचय स्टाफ के एक नए मेंबर से करा दूं दिस इज मिस्टर दिलीप मेहरा फुटबॉल कोच अब इस साल से हमारे स्कूल के बच्चों को कोच करेंगे कम इनसे तो पहले आप मिल ही चुके हैं मिस्टर पारिक केमिस्ट्री के टीचर इस साल से आप ये वाइस प्रिंसिपलशिप की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं हेलो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर प्लीज ये है मिस्टर उपाध्याय हमारे सीनियर कलीग इन्हें हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते हुए 23 साल हो गए हैं अब बहुत जल्द इनकी सिल्वर जुबली होगी कब ये है श्री परमानंद जी स्टूडेंट्स और टीचर्स इन्हें प्यार से पंडित जी कहते हैं पंडित जी स्कूल में हिंदी पढ़ाते हैं और साथ ही ड्रामेटिक्स के इंचार्ज भी हैं के बारे में तो मैं
पहले भी काफी सुन चुका हूँ। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति से तो मैं चरण छू के ही मिलना चाहूंगा। खुश रहो। चलिए, ये है मिस्टर गौरी शंकर, बच्चों को सिविक्स पढ़ाते हैं। नाइस मीट यू सर। चलिए, और ये है मिस्टर तिवारी, बच्चों को पेपमैशी का काम सिखाते हैं और सुना है अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। अरे मेरा साहब, आपने तो आते ही मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। चलिए कम। ये है मिसेस खान, पेंटिंग टीचर, बच्चों की जिंदगी में रंग बत्ती। चलिए, हमारे एक और नए टीचर मिस्टर गुप्ता कल स्कूल पहुंचकर ज्वाइन करेंगे। और ये हमारे स्कूल के चार पिलर्स, चार हाउसेस के चार हाउस मास्टर्स। आप हैं मिस्टर कॉल, केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ तिलक हाउस के हाउस मास्टर हैं। हेलो, नाइस मीटिंग यू। मिस्टर राउत संस्कृत पढ़ाते हैं, टाइगर हाउस के हाउस मास्टर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मिस्टर बख्शी इंग्लिश पढ़ाते हैं, विनोबा हाउस के हाउस मास्टर। ग्लैड टू मीट यू। सेम हियर। हाय। और आप हैं मिस्टर खान। आप हिंदी पढ़ाते हैं और आपका हाउस है नेहरू हाउस। पहले दिन पंगा लेना है क्या? हाँ लेना चाहता हूँ। बोल क्या बोलता है? अरे उससे क्या बात करता है भाई? उससे बात कर। Mind your own business, सभी। अबे वही तो कर रहा हूँ। क्या बे? पहले दिन पिटना चाहता है क्या? अबे तू पीटेगा मुझे? नीचे जा। चुजा अंदर। फ्रांसिस, ये लोग तो नादान है, मगर तुम तो समझदार हो। समझदारी और होशियारी सिर्फ तुम ही में है कपूर, जो स्कूल कैप्टन बन गए। ए सैबी, मुझसे नहीं मिलेगा क्या? नाराज है? अरे तुझसे नाराज लेकर कैसे जीऊंगा मेरी जान, गले लग जा। जरितरम् मृडा सुक्षत्र मृडया। थॉट ऑफ द डे, विद्या ही मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। टेक योर सीट्स प्लीज। मैं विंध्याचल स्कूल में आने वाले नए स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का स्वागत करता हूं। विंध्याचल स्कूल का इतिहास करीबन 100 साल पुराना है। तब से लेकर आज तक विंध्याचल स्कूल में भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए ज्ञान विज्ञान और आधुनिक तकनीकी की शिक्षा दी जाती है।
भारत के कोने कोने से आए हुए पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को यहां छोड़कर जाना तकलीफ देह जरूर है, मगर उनके भविष्य और शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह जरूरी है कि उनकी बुनियादी शिक्षा अच्छी हो। उसी बुनियाद, उसी नींव को पक्का करने की हम कोशिश करेंगे जिस पर बच्चों के भविष्य की इमारत खड़ी होगी। हम आपके बच्चों को एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अनुराग शर्मा जी, आप नहीं, 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 अच्छा अंदर चलिए, आप बैठाओ। अनुराग, तुम हॉस्टल में कभी नहीं रहे ना? जी नहीं। हो सकता है इससे शुरू शुरू में एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। आप चिंता ना करें, ये सब अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, इसके लिए नेहरू हाउस चुना गया है, ऑफिस में जाके बर्सर से मिल लीजिए। जी थैंक यू। चलो बेटा। अच्छा सर, नमस्ते। और ये तो हमेशा कहते रहते हैं कि देख, जिसके नाम पर तेरा नाम रखा गया वो तो इंडिया के सबसे फेमस स्कूल का प्रिंसिपल है, और तू कितना शैतान अपने बाप पे गया है ना। इसीलिए तो तेरे पास लेके आया हूँ। मैं जब स्कूल में था तो तू मुझे संभालता था, अब इसको संभाल ले तो मुझे शांति मिले। अब जबकि ये यहाँ आ ही गया है तो तुमसे ज्यादा काबिल और समझदार बन के निकलेगा। इसी उम्मीद पे तो सतीश को मैं तेरे पास लेके आया हूँ। अब ये मेरी नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। Teachers for the new white boy. Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! Hip hip hip. Hooray! भैया एक बात बताओ, तुम्हें इस कोट में गर्मी नहीं लग रही? आज तो चाहे कितनी भी गर्मी लगे ये कोट पहना ही रहेगा। हाँ क्यों नहीं, हेड बॉय का बैच जो मिला है इसे। बोलने दे उसे, तू पहने रख अपना कोट, बड़ा जच रहा है तुझ पे। हेड बॉय का क्रेज देखकर तो डिसूजा की हालत खराब हो जाएगी। अरे उसे तो लास्ट मोमेंट तक उम्मीद थी कि हेड बॉय वही बनेगा। डिसूजा हेड बॉय, इम्पॉसिबल। कांग्रेट्स डिसूजा। थैंक्स। ओए यार, यहां पे तो हेड बॉय का बैच होना चाहिए था, बस लगते लगते रह गया। एलोकेशन के वक्त मेरा गला खराब ना होता तो देखता। मुझे तो लगता है प्रिंसिपल ने पहले से ही कपूर को सोच कर रखा था। हो सकता है, नेहरू हाउस तो है ही प्रिंसिपल का फेवरेट हाउस। चाहे जो भी हो, चोट तो हो ही गई है। खूब खुश हो रहा होगा कपूर आज। चटर्जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, उछलता फिर रहा था। उछलने दे, जितना ऊंचा उछलेगा इतना ही जोर से जमीन पे गिरेगा। तो हम ही ना उछाल दे उसे। उछालेंगे लेकिन नहीं माने पर। शर्मा जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप समझ लें कि आपका बच्चा अपने ही घर में है, घर से दूर एक दूसरा घर, होम अवे फ्रॉम होम। जी जी, बस आपसे मिलकर मेरे मन का बड़ा बोझ हल्का हो गया। सर आपने मुझे बुलाया? सर हाँ भाई तिलक, साहब को जाके हाउस दिखा दो, और अनुराग बेटा तुम भी जाकर अपना बेड और लॉकर देख लो। जी अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा शर्मा जी, फिर मुलाकात होगी आपसे। अच्छा नमस्कार। कमरा है बाबा जी, ये कमरा नहीं हॉल है। हॉल? हाँ, सुंदर हॉल है, सब लड़कियां इकट्ठी रहेंगे। हाँ सुनो, ये तुम्हारा बेड है और ये कबर्ड। तारा राणा तो मैं भूल ही गया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आखिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ। अब तुम्हारा ही सहारा है भैया, इस बच्चे का ख्याल रखना। वैसे कहाँ के रहने वाले हो? जोधपुर का। जोधपुर? जोधपुर तो बड़ा अच्छा शहर है, इस लड़के का ख्याल रखना। हाँ जी अच्छा, बिल्कुल रखूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ भैया, चलते चलते जरा सर से भी मिलता चलूं, गाड़ी जो पकड़नी है। अच्छा बच्चों का रहने का कमरा बहुत ही अच्छा लगा, अरे इसे भी पसंद आया, बस अब इसका ख्याल रखना। मैंने कहा ना शर्मा जी, भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें। नमस्कार खान साहब, नमस्कार। हाँ आइए तिवारी जी, आइए बैठिए, इनसे मिलिए। ये है शर्मा जी, और शर्मा जी ये है हमारे तिवारी साहब, स्कूल में बच्चों को पेपर मैशिंग का काम सिखाते हैं। कितना गंदा कमरा है,
यहाँ रहेगा हमारा बच्चा? हाँ, अब इसे रहना तो यही पड़ेगा। इतना छोटा सा कमरा और इतने सारे बच्चे, और फिर एयर कंडीशनर भी तो नहीं है यहाँ पर। अरे आप होस्टल में एयर कंडीशनर ढूंढ रही है क्या? यही बेड है इसका? जी सर। ये तो दरवाजे के बिल्कुल पास है, आते जाते बच्चे तंग करेंगे सतीश को। मॉम मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। क्यों भाई, कोई दूसरा बेड खाली नहीं है क्या? नहीं सर, ये आखिरी बेड था। देखिए कितनी चीप चादर है। चलिए एक नई चादर खरीदते हैं। चलिए फौरन, पापा आइए पीछे। अच्छा तो आप पेपर में से काम सिखलाते हैं? जी हाँ जी हाँ। लेकिन खान साहब ने आपको मेरे बारे में एक खास बात तो बताई ही नहीं। कौन सी? मैं कभी कभी गुनगुना भी लेता। अच्छा अच्छा। हुआ क्या, जब मैं एक साल का था तो कुंदन लाल सहगल ने मेरे सर पे हाथ फेरा था, और तभी से मेरी माँ ने मेरा नाम कुंदन लाल रख दिया, कुंदन लाल तिवारी। अच्छा। अभी बच्चों का फेयरवेल डिनर था तो मैंने गाया था, एक बंगला बने न्यारा। तिवारी साहब मुझे लगता है जल्दी है। और जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। और जाने वाले सिपाही से, ये गाना गाते हुए कौन जा रहे हैं? ये है तिवारी साहब, बच्चों इनसे बच के ही रहना। क्यों भाई? इनको गाना सुनाने की बहुत बुरी आदत है, अगर पकड़ लिए तो सारा दिन गाना ही सुनाते रहेंगे। हाँ भाई, सब नए लड़के अपने अपने बेड के पास खड़े हो जाएं। तुम्हारा नाम क्या है? नमन। जोर से बोल बे। नमन व्यास। शाबाश। शाबाश। तुम्हारा नाम क्या है? जी अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा। तुम्हारा नाम क्या है? सतीश खन्ना। ओ खन्ना साहब, ये चद्दर कहाँ से आई? हम लेकर आए हैं। हम मतलब? मतलब मैं? जो मतलब मैं है तो मैं बोलो। तो ठीक है, मैं ही सही। मम्मी ने दी थी क्या? साहब को मतलब? मतलब ये कि यहाँ जो चद्दर मिली है वो बिछाओ, ये घर की ये खूबसूरत चद्दर यहाँ नहीं चलेगी। मैं तो यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। अरे तो लेट जाओ। भाई साहब जरा मुंह धोने देंगे? अरे तो हम लोग क्या यहाँ नहा रहे हैं, लाइन में लग जाओ। हटो, सीनियर आ रहे हैं। क्या इन लोगों को लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता? क्यों बे, ये रो क्या बहुत जल्दी है नहाने की? हाँ। अच्छा तो जा, बाथरूम सामने खोला, जा नहा ले। थैंक यू। क्यों भाई साहब, जंगल जा रहे थे? वो अंदर कौन है? ओए कौन नहा रहा है अंदर? राजू नहा रहा है। क्यों ओए, छुट्टियों में घर में नहाया नहीं था क्या? चल बाहर निकल जल्दी। राजू काजू दोनों हैं। क्यों गए, नहाए हो या सिर गीला करके आए हो? भैया आज आपको जल्दी थी ना, तो आज हम लोगों ने सोचा कि आज ऐसे ही। चलो यहाँ से, चलो। ये सब क्या हो रहा है, हमारी बारी कब आएगी? पहला दिन है ना, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहाऊंगा नहीं तो स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे तो ऐसे ही जाना यार, है किसने देखना है तुम्हें, आधे से ज्यादा तो सब ऐसे ही जाते। ठीक है। मोस्ट अनहाइजेनिक फ्लो। प्रदीप क्या चौक बर्बाद कर रहा है, चल भट्ट की दुकान से चाय पी के आते हैं।
क्यों कन्या राशि को भूल गया? कन्या राशि? अरे अपने वाइस प्रिंसिपल यार मिस्टर पारिक, तू तो जानते हैं उन्हें छापा मारने की आदत है। पागल हो गया क्या? पहले दिन रेड? और नहीं तो क्या, कुछ सुना आपने? बिल्ली तो पहले दिन ही मारी जाती है। क्यों बेचारे बच्चों को दुखी करते हैं पहले ही दिन? आप समझते नहीं मिस्टर रावत। अच्छा बताइए मिस्टर उपाध्याय इतने सीनियर हैं लेकिन अभी तक वाइस प्रिंसिपल क्यों नहीं बने, और मैं वाइस प्रिंसिपल क्यों बन गया? क्योंकि आपने इस साल एनसीसी कैंप में क्राइसिस होने पर बड़ा अच्छा मैनेज किया। नहीं सिर्फ यही एक कारण नहीं है, कारण यह भी है कि मैं लड़कों में डिसिप्लिन मेंटेन रखता हूं, उन्हें सिगरेट पीने से रोकता हूं, भट्ट के यहां रेड मारता हूं, और यदि वो बीमारी का बहाना बनाते हैं तो उन्हें ठीक करता हूं। क्यों? कि मैं वाइस प्रिंसिपल बन गया हूं और डिसिप्लिन मेंटेन करना मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। आप जाने, आपकी मर्जी। ये मर्जी का सवाल नहीं है मिस्टर रावत, ये सवाल है डिसिप्लिन का, इसलिए मुझे अब जाना ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाइस प्रिंसिपल बन गए मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। सर ये तो अपने अपने काम करने का तरीका है। मिसेस खान अगर इसी तरीके से ये काम करते रहे तो ज्यादा दिन अपनी कुर्सी पर नहीं टिक सकेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे सर आगे भागो। बोलता नहीं, मैंने सबको देख लिया। 1 2 3 4 5 6 चलो लाइन में खड़े हो जाओ। चलो तुम्हें रख से बोलना पड़ेगा। जी मैं ठीक है बच्चे चल लाइन में लग जा। मगर सर मैं तो स्कूल से। चुप बोलना नहीं, नहीं। अपना नाम बता। जोर से बोल। निखिल गुप्ता। यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा यहाँ क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। शाबाश, तो फिर तुम्हारा पेट तो भरी गया होगा, अब तुम्हें खाना खाने की आवश्यकता नहीं। आज तुम में से कोई भी मुझे लंच की वक्त डाइनिंग हॉल में नहीं आना चाहिए। मगर सर मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे बोलना नहीं, नहीं तो तेरा डिनर भी बंद कर दिया जाएगा। चलो एक के बाद एक चलो। एडमिशन कैसे हुआ? क्यों यहाँ तो बहुत सारे डे स्कॉलर्स पढ़ते हैं। ओ मुझे पता नहीं था। ए कैसा खाना है? बिल्कुल स्वाद नहीं है इसमें। जो कुछ है सोचिए ये खाना तो खाओ। क्या फायदा हुआ है उससे बदतमीजी करने का? अपनी इंसल्ट हुई ना। तुमसे मतलब? ओए ये खाना खा और अच्छा समझ के खा। यहाँ बड़ी बड़ी हस्ती आती है और इसी खाने से खुश रहती है, समझा? खाना अच्छा है यहाँ का? अभी क्या है, अभी तो बहुत सारे पेरेंट्स टिके हुए हैं ना, उन्हें जाने दो, उसके बाद देखना सब सादा मिलेगा। सादा मतलब? मतलब आलू, आलू की सूखी सब्जी होगी, आलू की तर सब्जी होगी, आलू का रायता होगा, आलू का भरता होगा, सारा जग आलूमय हो जाएगा। पास द वाटर, से पास द वाटर प्लीज। हम कह रहे हैं आप पानी पास कर दीजिए। जब तक प्लीज नहीं बोलोगे कुछ नहीं मिलेगा। दे दे यार दे दे, बेकार है पंगे मत ले। क्यों तू नया है क्या? तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं मालूम? से प्लीज। से प्लीज फर्स्ट। ओके प्लीज। गुप्ता खड़े हो जाओ। तुम्हें लंच डिसलाउट किया गया था ना? मगर
ऑफिसर। तुम बोलते बहुत ज्यादा और सुनते कम हो। अब तुम्हें लंच तो लंच, डिनर भी नहीं मिलेगा। सर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। और मैं भी तुमसे बार बार कह रहा हूँ, अब तुमने कुछ आगे बोला तुम्हारा कल का खड़ा ही बंद कर दिया जाएगा। आप मेरी बात भी सुनेंगे? तुम्हारी ये हिम्मत, चलो बाहर। अरे तारिक साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं सही कर रहा हूँ सर, मैंने कल इसको फटके दुकान पर ही पकड़ा था। पर आपने पहले ये तो पूछ लिया होता कि ये है कौन। होंगे मेरी बला से कोई भी, किसी ट्रस्टी का लड़का होगा। ठीक है, नौकरी छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा, लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। ओफो बारिक साहब, ये हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के नए असिस्टेंट है, मिस्टर गुप्ता। मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना। मगर भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप बताने का मौका देते तब तो। आई एम वेरी सॉरी भाई, सॉरी। खैर चलिए, आइए उधर बैठ के खाना खाते। ओके भजन न होई गो पाला। अरे अनुराग, खाना खा रहे हो? हाँ सर। नहीं सर, मैं खाना खा चुका सर। ओके भजन न होई गो पाला। कैसे हो फ्रांसिस? सर अब तक तो ठीक था सर। खाना खा रहे हो? जी सर। भाई मैं सोचता हूँ आज मैं भी तुम्हारे साथ लंच ले लूं। नहीं सर, नहीं। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन आप हम स्टूडेंट्स के साथ लंच क्यों करना चाहते हैं सर? भाई स्टूडेंट के साथ लंच लेने से उनसे प्यार बढ़ता है भाई। लेकिन आप हम लोगों के साथ प्यार क्यों बढ़ाना चाहते हैं सर? क्योंकि प्यार जिंदगी है। अरे फ्रांसिस खाना तो खा जाओ यार। ओके सर। अरे खाओगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? ओके भजन ना होई को पाला। फिक्र करने की कोई बात नहीं है बेटे, मैंने खान साहब से कह दिया है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। नहीं पापा, मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहूंगा। देखो ना क्या हालत हो रही है मेरे बेटे की, कैसे रह पाएगा बेचारा यहाँ? अरे जैसे सब रहते हैं वैसे ही रहेगा। मम्मी प्लीज आप बताइए ना पापा को, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। नमन जिद नहीं करते, अगर आप मुझे वापस नहीं ले चलेंगे तो मैं पैर पीट से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। कूद के मरने की बात कर रहा है, समझाइए ना। मम्मी मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रह सकता। बेटे अब तुमको रहना यही है, ऑब्जेक्ट करने से क्या फायदा? नहीं मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। बेटे यहाँ और बच्चे भी तो रहते हैं ना, बाबा तुम ही समझाओ ना इसे। आंटी आप चलिए, मैं इसे समझाता हूँ, आप चलिए। मम्मी मम्मी। और चलना यार, यहाँ सब अपने दोस्त हैं, घबराता क्यों है? नाम बता। डोंट टच मी। कौन से हाउस में रहता है तू? मेरे ही हाउस में है यार, अपना यार है। चल तेरे को टीडी खिलाते हैं, चल चल। साथी जो आज यहां मौजूद हैं नए हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए मैं अस्ताचल के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अस्ताचल जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, अस्त होते हुए सूरज का समय होता है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपसे सिर्फ यह उम्मीद की जाती है कि 5 मिनट शांति से बैठकर अस्त होते हुए सूरज को देखें और ध्यान लगाने की प्रैक्टिस करें। इस बीच आप याद करें कि आपने आज दिन भर में क्या क्या गलतियां करी और क्या क्या अच्छे काम किए, और साथ ही साथ ये निश्चय करें, एक दृढ़ संकल्प करें कि आज दिन भर में जितनी भी गलतियां आपने करी हैं उन्हें फिर नहीं करेंगे, और जितने भी अच्छे काम किए हैं उन्हें बार बार दोहराएंगे। बस अब आप 5 मिनट बैठकर ध्यान करें।